शिनचैन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो आज किसी भी हालत में तुम्हारी स्कूल बस मिस नहीं होनी चाहिए। अब आज बहुत जल्दी में लग रही है। आज मुझे हिमावारी को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। काफी देर हो गई है, तुम्हारे स्कूल की बस क्यों नहीं आई? अरे नहीं मैम, आपको ऐसा क्या याद आ गया? अरे शिनचैन बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, आज ओपन स्कूल डे है। क्या ओपन स्कूल डे? ओपन स्कूल डे, पेरेंट्स बच्चों के साथ उनकी क्लास में जाते हैं। अच्छा। तभी आज तुम्हारे स्कूल की बस नहीं आई, अब मुझे तुम्हारे साथ ही जाना होगा शिनचैन। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे हिमावारी को चेकअप के लिए भी तो ले जाना है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं स्कूल जाते ही नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। कोई बात नहीं मिट्सी। डैड आप? अरे आप अचानक यहाँ कैसे आ गए, और वो भी इतनी जल्दी? मैं आज सुबह की पहली बस से आया हूँ, इसलिए जल्दी पहुँच गया। मैं शिनचैन के साथ स्कूल चला जाऊँगा। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। देखो मिट्सी, मुझे भी अपने पोते को स्कूल में पढ़ते और खेलते हुए देखना अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ स्कूल चल सकती हैं दादाजी। हाँ चलो चलते हैं। लेकिन डैड। तुम फिक्र मत करो। तो ठीक है, हम चलते हैं। तुम भी आप हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ शिनचैन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखना। पता नहीं डैड वहाँ क्या करेंगे, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। हाँ मुझे हिमावारी को ले जाना है। शिनचैन, मुझे अपने स्कूल का रास्ता बताओ। यहाँ से दाएं मुड़ जाइए। ठीक है। एक दो। शाबाश बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहो। आपको तीन चार भी बोलना चाहिए। तीन चार, एक चार, एक दो, एक दो। मसाओ, तुम बहुत अच्छा कलर कर रहे हो, ऐसे ही करना। गुड बॉय। ठीक है। लो हम पहुंच गए। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम आज भी लेट आए हो शिनचैन। मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया नैनी। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया। वैसे शिनचैन की मॉम यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन उनके बदले मैं ही यहाँ पर आ गया। मेरा नाम गिनोसुके है और मैं शिनचैन का प्यारा सा दादा हूँ। अच्छा। देखिए ये मेरा कार्ड है, और मैंने भी आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों को बहुत सालों तक पढ़ाया है। आप ये कार्ड रख सकती हैं। जी शुक्रिया। ओहो, तो आज सब बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। ओह, बोर्ड पर हमारे स्वागत के बारे में भी लिखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह अच्छा, तो आप सब अपनी मॉम की तस्वीर बना रहे हैं। आपकी मॉम आई है? रुको मैं खुद ही पहचान लेता हूँ। आप हैं? अरे आपने तो बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला। हाँ, क्योंकि आपकी शक्ल आपके बेटे से मिलती है, इसलिए मैंने ढूंढ लिया। आपने बिल्कुल सही कहा, सब लोग ऐसे ही कहते हैं। ओह तो ये तुम्हारी मॉम की तस्वीर है। क्या आप इस तस्वीर को देखकर ये बता सकते हैं कि मेरी मॉम कौन सी है? हाँ हाँ, मैं अभी बताता हूँ। कौन है? पता नहीं इन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लग रही है। दादाजी देखिए, नैनी की मॉम ये नहीं, ये खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। वैसे तुमने अपनी मॉम की अच्छी तस्वीर बनाई है। माफ कीजिएगा शिनचैन के दादाजी, लेकिन क्या आप वहाँ चुपचाप पीछे बैठकर देख सकते हैं? ठीक है, मैं पीछे चला जाता हूँ। जल्दी से सब बच्चे ड्राइंग खत्म करो। अरे शिनचैन कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। तस्वीर बन गई। बस इतना ही? शिनचैन कुछ और भी तो बनाने की कोशिश करो। योशिनागा मैम, मैं चाहता था कि मैं तस्वीर सबसे पहले बना लूं। लगता
है मेरे पोते शिनचैन को अपनी मॉम की तस्वीर फिर से बनानी पड़ेगी, क्यों? माफ कीजिएगा, लेकिन इससे अगली क्लास में हम सभी मिलकर बच्चों के साथ डांस करेंगे, तो प्लीज सब हॉल में चलिए, बहुत मजा आने वाला है। वैसे बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, है ना? आप तो बहुत ही अच्छा बना रही है। हाँ, ये तो मैं अच्छे से बनाता हूँ। माफ कीजिए शिनचैन के दादाजी, क्या आप प्लीज हॉल में चलेंगे? देखिए मैम, मैंने क्या बनाया है। हाँ? अच्छी है ना? मुझे लगता है शायद आपने मेरी ही तस्वीर ड्रॉ की है, क्यों? तस्वीर बनाने का मेरा अलग ही तरीका है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह दादाजी। हाँ, सही कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि सब इकट्ठे मिलकर एक फोक डांस करें। बच्चों की एक अलग लाइन होगी और बड़ों की एक अलग लाइन होगी, और सब साथ में मिलकर डांस करेंगे। मैं वक्त पर पहुंच गई। वैसे शिनचैन ने बताया कि मसाओ उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जी हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं, स्कूल भी साथ साथ जाते हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आइए नैनी की मॉम। हेलो। वैसे नैनी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं। मुझे लगता है उसे आपने ही इतनी अच्छी ड्राइंग बनानी सिखाई होगी। मैंने सही कहा ना? हाय, हमें पेरेंट्स के साथ डांस करना है, मेरे साथ मत करो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो खजाना, मैं बस तुम्हें हवा करूँगी। क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा सर, आपको बच्चों के साथ डांस करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं योशिनागा मैम। अरे मैं तो बच्चों की बात कर रही थी ना। बच्चों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैम, क्या आप डांस करने आई हैं? हाँ, पर अब लेट हो गई। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। अरे तो आप यहाँ के बॉस हैं? बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैंने सुना है आप बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जैक, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बॉस नहीं है, वो प्रिंसिपल है। ओह अच्छा, तो ये बात है मिट्सी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं क्या करूं? आप प्रिंसिपल तो बिल्कुल नहीं लगते, आप तो वाकई में बॉस लगते हैं। अब बस कीजिए डैड, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। शिनचैन, ये फिर शुरू हो गए।